Good morning, students. Let's start science class 4th. So, 4th class students, हमारे साइंस के 2 चैप्टर्स क्रिस्टल के कंप्लीट हो चुके हैं. आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करें जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ठीक है, चैप्टर 3rd. ओके, चैप्टर 3rd का यहाँ नाम है एनिमल्स हाउ लाइफ गोज ऑन. अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है एनिमल्स की कैटेगरी को, कि वो लोग कैसे क्या सांस लेते हैं, कैसे क्या खाना खाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा है. ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एनिमल की जो लाइफ होती वो उस लाइफ को बिताते कैसे, हाउ लाइफ गोस ऑन, उस लाइफ का जीवन यापन कैसे करते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आ गए. एक्सप्लेन द नीड फॉर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. रिप्रोडक्शन में एनिमल्स को क्या क्या नीड होती है. रिप्रोडक्शन का मतलब आपको पता है ना, एक यंग वंस न्यू बेबी को जन्म देना. ठीक है, रिकॉल. सेकेंड यहाँ पे आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है रिकॉग्नाइज एंड रिकॉल वेरियस वे इन विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस. यहाँ पे आपको बताने हैं कि कितने तरीके के चीज़ें होती है एनिमल को रिप्रोड्यूस करने में. ठीक है, डिस्क्राइब 3rd पॉइंट यहाँ पे, डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस ऑफ एन एनिमल्स लाइफ साइकिल. आपको यहाँ पे लाइफ साइकिल, एनिमल की जो लाइफ साइकिल में जितने भी स्टेजेस होती है, स्टेप्स होती है, उनको यहाँ पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है. सो आपका यहाँ पे फर्स्टली वार्म अप आ गया. आपको यहाँ पे कुछ एनिमल्स दे रखे, 4 एनिमल्स दे रखे. आपको क्या करना है, इन एनिमल्स के नाम आपको यहाँ लिखना है और उनसे रिलेटेड उनके बच्चों को क्या बोलते हैं उनको यहाँ पे लिखना है. ठीक है, तो फर्स्ट है आपका रैबिट. रैबिट के बच्चों को क्या बोला जाता है, किट, KIT किट. रैबिट का बच्चा क्या हो कहलाएगा, KIT किट. लॉयन, लॉयन का बच्चा क्या कहलाएगा, कप, CUP कप, CUB कप. शिप, शिप का बच्चा क्या कहलाएगा, लैम्ब, LAMB लैम. ओके, लास्ट है आपका डक, DUCK डक. डक का बच्चा हो गया डकिंग, DUCK ING डकिंग. यह हो गया आपका वार्म अप. आप चाहो तो इसको बुक में फिल भी कर सकते हो. फिर आ गया आपका इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से है, हाउ हैव यू एवर वंडर्ड दैट अ पर्सन डाइज आफ्टर लिविंग फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स लाइफ. आप ये जानते हैं कि जो भी इंसान, मनुष्य, पेड़ पौधा, जो भी इस धरती पर आता है, इस पृथ्वी पर आता है, वो एक ना एक दिन उसका जीवन यापन समाप्त तो हो ही जाता है, उसको मरना ही है. ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑल लिविंग, क्यों, क्योंकि जो भी लिविंग बींग आता है उसको एक सर्टेन टाइम पीरियड दिया जाता है, एक सर्टेन समय दिया जाता है कि ये इंसान, ये प्राणी, ये जीव, ये जंतु, ये पौधा इतने समय के लिए ही यहाँ पे अपनी लाइफ बिता सकता है. ठीक है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है, उसको बोलते हैं लाइफ स्पेन. क्या बोलते हैं उसको, लाइफ स्पेन. दे डाई व्हेन देयर लाइफ स्पेन इज कंप्लीट. वो कब मरता है, जब उसका जीवन खत्म हो जाता है, उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, तब वो मर जाता है. ठीक है, द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमन बींग का एक एवरेज लाइफ स्पेन क्या है, उसका एक एवरेज टाइम क्या है, 79 ईयर्स के बाद ह्यूमन बींग्स मर जाते हैं. मोस्टली ह्यूमन बींग्स बहुत ज़्यादा भी जिंदा रह सकते हैं, कुछ बहुत जल्दी मर जाते हैं. जब उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तब वो उनकी डेथ हो जाती है, वो डाई हो जाता है. ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे. टू इंश्योर दैट लाइफ गोस ऑन. लाइफ कैसे चलती, लाइफ चलती रहती, लिविंग बींग्स मस्ट प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ऑन काइंड फॉर दे डैट. द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ऑन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. जैसे जब लिविंग बींग्स जो होता है वो मरने से पहले एक बेबी को रिप्रोड्यूस करता है, एक बेबी को जब लाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन. उसके बाद ही उसकी लाइफ कंप्लीट होती है. ठीक है, एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन 2 ways. जो एनिमल्स होते हैं वो 2 तरीके से बेबी प्रोड्यूस करते हैं. एक तो बेबी को जन्म देते हैं, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो बेबी को जन्म देते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स ह्यूमन, हम इंसान भी बेबी को जन्म देते हैं. काव हो गया वो बछड़े को जन्म देती है, डॉग हो गया वो पपी को जन्म देता है, कैट हो गई जो किटन को जन्म देती है, माउस हो गया, एलिफेंट हो गए, लॉयंस हो गए, वेल्स हो गए. ये क्या करते हैं, एक यंग वंस को, एक बेबी को जन्म देते हैं. बट दूसरी चीज़ ये है कि कुछ जो होते हैं वो एग देते हैं.
अंडा देते हैं, तब जाके उसमें से बेबी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके क्या हो गए, बर्ड्स अंडा देते हैं, एग देते हैं, रेप्टाइल्स एग देते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं वो एग देते हैं। अब हम उन एनिमल्स की बात करेंगे जो एग देते हैं, ठीक है। एनिमल्स डेट ले एग, उन एनिमल्स की हम फर्स्ट में बात करेंगे जो एग देते हैं। फर्स्ट यहाँ पे आपका दे रखा है बर्ड, बर्ड ऑल बर्ड रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, हर एक बर्ड एग देता है। तो फीमेल बर्ड जो एग कौन देती है, फीमेल जो बर्ड होती है वो एग देती है। वो एग देने से पहले घोंसला बनाती है, ट्री के ऊपर एक घोंसला बनाती है जिसमें वो एग को ले कर सके। ले करना मतलब, लेइंग करना मतलब एग को देना, ठीक है। पार्ट ऑफ अ एग, यहाँ पे आपको एक एग दिख रहा है, उसके पार्ट्स बताए गए। पार्ट्स कैसे बताए गए, आप सभी ने हैन का एग देखा है, ठीक है, मुर्गी का आप सभी ने अंडा देखा है, हो सकता है खाया भी हो। तो वो कैसा दिखता है, बाहर से जो उसका कवर रहता है वो वाइट कलर का रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं शेल। फिर आप उसको कट करोगे तो उसके अंदर आपको एक वाइट लचीलेपन का चिकना चिकना मैटर मिलेगा, उसको बोलेंगे एग वाइट। क्या बोलेंगे, एग वाइट। उसके अंदर जो एक येलो पार्ट होता है उसको बोलते हैं योक। क्या बोलेंगे, योक। और योक के अंदर एक और चीज़ प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। ये हो गए आपके एग के पार्ट, शेल जिससे आउटर कवरिंग होता है, एग वाइट, येलो पार्ट हो गया आपका योक, योक के अंदर होता है एम्ब्रियो। यहाँ पे आपके पार्ट्स ऑफ अ एग हो गए, द शेल, आउटर कवरिंग, योक, एम्ब्रियो और एग वाइट। अब हम आगे पढ़ते हैं, एन एग ऑफ अ बर्ड हैज़ अ हार्ड आउटर शेल। जो हार्ड आउटर शेल होती है उसको बोलते हैं शेल। इट प्रोटेक्ट द एग, जो क्या करती है, एग को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, एग को किसी भी चीज़ से बचाने का काम करती है, ठीक है। द येल्लो पोर्शन, जो एग के अंदर जो येल्लो पोर्शन होता है, इन द सेंटर इज द योक, ठीक है, उसको बोला जाता है योक। द योक कंटेन अ ब्राइट वाइट स्पॉट दैट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो। योक के अंदर क्या होता है, एक वाइट स्पॉट होता है जो एम्ब्रियो को डेवलप करता है, ठीक है। द एम्ब्रियो ग्रोस, जब वो एम्ब्रियो बड़ा होता है एग के अंदर तो वो बेबी में बदल जाता है, ठीक है, बेबी बर्ड में बदल जाता है। उसको फिर क्या बोलेंगे आप, चिक भी बोल सकते हैं। द डेवलपिंग एम्ब्रियो ऑब्टेन फूड फ्रॉम द योक, अ वाइट वॉटरी सब्सटेंस कॉल एल्यूमन सराउंड द योक। आसपास जो येल्लो पार्ट के आसपास जो वाइट सब्सटेंस होता है उसको क्या बोलेंगे, एग वाइट या एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी बोल सकते हैं। इट प्रोवाइड्स वाटर, वो क्या करता है, एम्ब्रियो को पानी देने का काम करता है, एम्ब्रियो को उससे पानी मिलता है जिससे प्रोटेक्ट, और वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। द मेल और फीमेल बर्ड सीट ऑन द एग फॉर अ फ्यू वीक्स, मेल और फीमेल बर्ड क्या करते हैं, एग के ऊपर कुछ वीक्स तक, कुछ हफ्तों तक बैठते हैं, इन ऑर्डर टू कीप देम वार्म, उसको गर्म करते हैं। फिर उसके, दिस इज नोन एज इंक्यूबेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन बोलते हैं, ठीक है। व्हेन द एग, विथ इन द एग द एम्ब्रियो गोस थ्रूज वेरियस डेवलपमेंट स्टेज, जब एम्ब्रियो बहुत सारी डेवलपमेंट स्टेज में आ जाता है, ग्रो करने लग जाता है, बेबी बर्ड में डेवलप हो जाता है। व्हेन द चिक इज फुली डेवलप इट ब्रेक्स ओपन द एग शेल, वो क्या करता है, एग शेल को क्रैक करके तोड़ के बाहर आने की कोशिश करता है। एग को तोड़ कर बाहर आने के प्रोसेस को बोला जाता है हैचिंग। क्या बोला जाता है, हैचिंग, ठीक है। द पेरेंट बर्ड फीड एंड प्रोटेक्ट द चिक्स अंटिल दे कैन लुक आफ्टर देमसेल्फ, जो पेरेंट बर्ड होती है वो देख लेती है कि बाहर अंडे में से बच्चा बाहर आ रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ऑल एनिमल हैव अ लाइफ साइकिल, अब जो जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी एक लाइफ साइकिल होती है। द डेवलपमेंट ऑफ अ एनिमल, द डेवलपमेंट ऑफ अ एनिमल फ्रॉम एम्ब्रियो टू एडल्ट इज कॉल्ड लाइफ साइकिल, ठीक है। एक एनिमल से, एम्ब्रियो से एक एनिमल में तक चेंज होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल बोलते हैं। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनिमल लाइक एग, चिक, एडल्ट इन केस ऑफ बर्ड आर कॉल्ड स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। अब हम इसकी लाइफ साइकिल, ये तो आपका, आपको मैंने बताया एग के जो जो पार्ट होते हैं वो बताया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में लाइफ साइकिल के बारे में, एनिमल्स की लाइफ साइकिल के बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको दी गई है हैन के लाइफ साइकिल, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ अ हैन का डायग्राम भी ड्रॉ किया गया है। फ्रॉग के लाइफ साइकिल दी गई है,
फिश की लाइफ साइकिल दी गई है, इंसेक्ट की दी गई है ना, तो हम इसको हमारी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ओके, आज की क्लास यही ख़त्म होती है, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।